Very very good morning to all of you students. Welcome to PSM classes. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल. ओके, सो इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल के बारे में समझेंगे. इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल के लिए उसका पोटेंशियल जो है वो फाइंड करेंगे किसी पॉइंट पर, और साथ ही हम ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है टू दी फोर्थ पावर, इन्वर्सली वेरी करती है टू दी फोर्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस. या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर टू पावर फोर के, फोर्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस के. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल की, तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने स्टडी किया है प्रीवियस के तीन लेक्चर्स में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. तो जैसे इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उस पर जो चार्ज हो वो अपोजिट हो, मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन, जिसको टू वेल डिस्टेंस से हमने सेपरेट किया था. क्वाड्रपोल की बात करते हैं तो क्वाड्रपोल में फोर चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है. ओके, सो फोर चार्जेस का कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप से होता है कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके बाद इस सेंटर पे एक जो है माइनस टू क्यू का नेगेटिव चार्ज होगा. ओके, और फिर उसके बाद जो है इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा. तो यहाँ पर क्योंकि टू क्यू का नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको जो है अगर डाइपोल के कंडीशन में रखना चाहें तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रपोल जो है एक तरह से बिहेव करता है ऐसे जैसे दो डाइपोल जो है कनेक्ट हो. इस कुछ इस अरेंजमेंट को समझिए, यहाँ पर माइनस क्यू के दो चार्ज रखे गए हैं. तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि एक डाइपोल यहाँ से यहाँ तक एक डाइपोल की फॉर्मेशन हो गई और दूसरा डाइपोल ये एक डाइपोल की फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो क्वाड्रपोल में जो है हम बोल सकते हैं कि दो डाइपोल जो है वो कंसिस्ट होते हैं. अब इस क्वाड्रपोल अरेंजमेंट की वजह से किसी पॉइंट पी पर अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ में पोटेंशियल किस अकॉर्डिंग वेरी करता है या क्या क्या जो है इसके एक्सप्रेशंस हैं, तो इसको हम डिराइव करते हैं. मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पी है. ओके, सो पॉइंट पी से ये जो है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर हम पॉइंट्स चूज कर लेते हैं, ये ए बी और सी पॉइंट है जिसपे चार्ज रखे गए हैं. ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो है आर वन, उसके बाद पी से बी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम आर मान लेते हैं, और पी से सी तक का जो डिस्टेंस है इसको आर टू मान लेते हैं. क्लियर है? और जो टोटल क्वाड्रपोल की जो लेंथ है उसको टू ए मान लेते हैं. टू ए जब मानेंगे तो यहाँ पर जो है ए से बी तक की जो लेंथ हो जाएगी या डिस्टेंस हो जाएगा वो ए हो जाएगा, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो भी ए हो जाएगा. क्लियर? अब क्योंकि आर वन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, सो इस वेक्टर के टर्म में जो है आर वन वो इक्वल होगा किसके, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर के. अगर हम वेक्टर एडिशन के लॉ से इसको प्रूव करें तो यहाँ पे आर वन इक्वल होगा आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, और आर टू जो है आर टू ये इक्वल होगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के. ओके, सो हमें जो है टोटल डिस्टेंस मिल गया कि बी से पी तक का जो डिस्टेंस है वो है आर, ए से पी तक का डिस्टेंस आर वन था जो इक्वल होगा ए वेक्टर आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, पी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो आर टू था जो वेक्टर सम होगा किसका, आर वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का. ओके, सो अगर पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो नेट पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा किसके, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए. ओके, सो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा गया है उसकी वजह से पोटेंशियल, और सी पे जो चार्ज रखा गया है उसकी वजह से. सो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल होगा वी ए वी बी एंड वी सी के इक्वल. सो हम इसको रख लेते हैं. पोटेंशियल होता है Q
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर तो ए से पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर वन। ओके, नेक्स्ट वी बी पर माइनस टू क्यू का चार्ज है, तो हम जो है इसको प्लस ना कर करके कर सकते हैं माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वी सी पे अगेन पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू। बी से सॉरी पी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर टू है। अब इसमें अगर हम देखें तो कुछ पोर्शन जो है वो हमें क्या मिल रहा है, कॉन्स्टेंट, जैसे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें कॉन्स्टेंट मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 बाई आर वन, इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर। ओके, सो अगर हम आर यहाँ से कॉमन ले लें तो सेम एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हमें मिल जाएगा आर डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर डिवाइडेड बाई आर टू माइनस सॉरी हेयर टू, यहाँ पे दो रहेगा क्योंकि दो है, तो ये हो जाएगा टू। ओके, सो वी नेट जो है वो हमें मिला किसके, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर बाई आर वन प्लस आर बाई आर टू माइनस टू। ओके, नेक्स्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी आर वन प्लस और आर टू की। सो अगर हम आर वन को देखते हैं तो आर वन जो है वो इक्वल है किसके, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, आर वन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा किसके, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए आर कॉस थीटा के। ओके, या इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए आर कॉस थीटा की पावर 1/2। ओके, सो अगर हम यहाँ से आर कॉमन ले लें तो ये जो है आर वन इक्वल हो जाएगा आर वन प्लस ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर प्लस टू ए बाई आर कॉस थीटा की पावर 1/2। ओके, अगर हम 1/r1 डिटरमाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा 1/r। अब क्योंकि पावर यहाँ 1/2 है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जाने के बाद इस और अगर हम इसको ऊपर लिखते हैं तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 प्लस a² / r² प्लस 2a / r cos थीटा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो पावर यहाँ माइनस हो जाएगी, -1/2। ओके, सिमिलर वे में अगर मैं आर टू को सॉल्व करता हूँ तो आर टू के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन मिलेगा r - a। ओके, सो r - a के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा उसके लिए मैं लिख सकता हूँ आर वन जो है वो इक्वल होगा अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू ए आर कॉस थीटा। ओके, सो सिमिलर वे में 1 बाई आर टू ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1/r एंड 1 प्लस a² / r² माइनस 2a cos θ / r² - 1/2। ओके, अब एक फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम जानते हैं कि यहाँ से 1 प्लस x² n, ओके, ये इक्वल होता है किसके, 1 plus n x plus n - 1 x² / 2 ++ ……. ओके, सो अब जो है हम क्या कर सकते हैं,
इतनी टर्म को अगर हम जो है इस टर्म को एक्स एज्यूम कर लें, इस टर्म को अगर हम एक्स एज्यूम कर लें तो ये जो है हमारा फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन इसको हम बना लेते हैं टू, ओके, और ये जो है इक्वेशन हो जाएगी थ्री। तो इक्वेशन टू पे जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू जो है वो मिलेगी, देखें, वन प्लस ए स्क्वेयर। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसी के इक्वल जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये इक्वल होगा किसके, वन प्लस एन एक्स है, तो एन की पावर है माइनस वन बाई टू, तो हम यहाँ रख लिख लेते हैं माइनस वन बाई टू, और हमें दिया गया है x, तो x की वैल्यू हम लिख लेते हैं ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर प्लस प्लस n की वैल्यू माइनस वन बाई टू इंटू टू ए बाई आर कॉस थीटा। ओके, अब इसके बाद हमें दिया है n n माइनस वन, तो प्लस का साइन हम लगाएंगे, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन माइनस वन, और एक्स स्क्वेयर हमें अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा ए टू पावर, सॉरी ये जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी माइनस वन, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए टू पावर फोर डिवाइडेड बाई आर टू पावर फोर, और अगेन जो है ये टर्म हमें मिल जाएगी प्लस माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, सो फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और एक जो टर्म हम भूल चुके हैं वो है फैक्टोरियल टू, तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल टू से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, फैक्टोरियल टू से डिवाइड कर देंगे। सो ये जितना बोर्ड पर लिखा गया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है हमें रफ़ करना पड़ेगा। ओके, सो मैं इसे रफ़ कर देता हूँ। इस इक्वेशन को फर्दर लिखने पे यहाँ से हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू वन और माइनस वन बाई टू ए स्क्वेयर प्लस माइनस वन बाई टू ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, यहाँ फिर अगेन माइनस टू से टू, ये टू से टू कैंसिल, तो हो जाएगा माइनस ए बाई आर कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ से हम माइनस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू माइनस वन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस थ्री बाई फोर, और ये फैक्टोरियल टू है तो ये वन बाई टू हमें मिल जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह मिलेगा थ्री बाई एट, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस थ्री बाई एट ए टू पावर फोर डिवाइडेड बाई आर टू पावर फोर। ये जो टर्म है यहाँ पर हमें फोर मिल रहा है, तो थ्री बाई एट इंटू फोर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा थ्री बाई टू, तो ये हमें मिलेगा प्लस थ्री बाई टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो बहुत स्मॉल है किससे, कंपेयर टू आर, इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो उससे ए जो है वो नेग्लिजिबल है या स्मॉल है, सो हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हायर पावर ऑफ ए बाई आर, लाइक ए हायर पावर ग्रेटर देन ए स्क्वेयर, हायर पावर ग्रेटर देन ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो ये जो पावर हमें मिल रहा है ए टू पावर फोर डिवाइड बाई आर टू पावर फोर, क्योंकि ए बहुत छोटा है तो ये जो रेशो होगा ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो हमने रिलेशन लिखा है वन प्लस ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर
प्लस टू ए बाई आर कॉस थीटा, इसी को हमने सॉल्व किया है माइनस वन बाई टू, ये इक्वल आया है किसके, वन माइनस वन बाई टू ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर माइनस ए बाई आर कॉस थीटा प्लस थ्री बाई टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। क्लियर। सो इसी टाइप से अगर हम इक्वेशन थ्री को देखें तो इक्वेशन थ्री को भी हम इसी टाइप से लिख सकते हैं। सिमिलरली इक्वेशन थ्री कैन बी रिटन एज, रिटन एज। सो इक्वेशन थ्री को यहां पर देखें, इक्वेशन थ्री में यहां पर हमें नेगेटिव साइन दिया गया है, तो इसको जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वन प्लस ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर माइनस टू ए बाई आर कॉस थीटा। मैं इसके लिए जो है डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो आएगा वन माइनस वन बाई टू ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, ओके, प्लस ए बाई आर कॉस थीटा प्लस थ्री बाई टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, ओके। सो अब जो ये हमें रिलेशन मिला है, ये रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन वन में अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखें अगर इसमें हम इक्वेशन टू में इसको सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा वन बाई आर वन इज इक्वल टू वन बाई आर, वन बाई आर वन प्लस वन माइनस वन बाई टू ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर प्लस ए बाई आर कॉस थीटा प्लस थ्री बाई टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बाई आर स्क्वेयर। या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ आपको, तो ये जो रिलेशन है इसको हम लोग कुछ पोर्शन में रफ कर देता हूँ जो नॉन इम्पोर्टेंट पोर्शन है। सो इस टर्म को अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से जो है हम लिख सकते हैं इस आर को इस टाइप से आर बाई आर वन इक्वल टू, अब ये वाला जो रिलेशन है वो इक्वल है किसके, वन माइनस वन बाई टू ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर माइनस ए बाई आर कॉस थीटा प्लस थ्री बाई टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। क्लियर है। और सिमिलर वे में आर बाई आर टू को भी हम लोग लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को देखें अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पे वन बाई आर टू इक्वल है वन बाई आर और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो आर बाई आर टू को भी लिखा जा सकता है वन माइनस वन बाई टू ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर प्लस ए बाई आर कॉस थीटा प्लस थ्री ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू आर स्क्वेयर। क्लियर है। सो हमने दोनों वैल्यूज को लिख लिया है, अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। तो दोनों वैल्यू को अगर हम इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए आगे हमारे पास क्या आता है, वी नेट, नेट पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा किसके, क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वन माइनस वन बाई टू ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर माइनस ए बाई आर कॉस थीटा प्लस थ्री बाई टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बाई आर स्क्वेयर, और अगेन वन माइनस वन बाई टू ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर प्लस ए बाई आर कॉस थीटा एंड प्लस थ्री ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू आर स्क्वेयर प्लस थ्री बाई टू ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये दोनों टर्म हम लिख चुके हैं, इसके बाद माइनस टू। क्लियर है। तो यहाँ से आप देखें तो माइनस ए बाई आर कॉस थीटा और यहाँ से जो है माइनस ए बाई आर कॉस थीटा, शायद इसको हम लोग लिखना भूल गए, प्लस ए बाई आर कॉस थीटा यहाँ पर भूल चुके हम लोग, तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, वैसे भी एक रिमूव हो जाएगा, तो माइनस ए बाई आर कॉस थीटा से ए बाई आर कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, वन वन से यहाँ टू माइनस में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा,
दो टर्म बची माइनस वन बाई टू ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, ओके ये वाली टर्म हमारे पास बच गई वन बाई टू, और वन बाई टू इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, और साथ में इसको हम ऐड करेंगे इन दोनों टर्म को, तो ये जो है हमारे पास बचेगी वी नेट, वी नेट जो इक्वल होगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इक्वल होगा थ्री ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बाई आर स्क्वेयर। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है, ओके इन दोनों टर्म को हम ऐड कर रहे हैं, और साथ में इन दोनों टर्म को भी ऐड कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा माइनस ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। क्लियर है? सो यहां से जो है ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर अगर हम कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, यहाँ बचेगा आपके पास थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन। ओके सो मैं इस पोर्शन को रफ कर रहा हूँ, हम अब सॉल्यूशन के बहुत करीब हैं, तो यहाँ से जो है वी नेट वो हमें इक्वल मिला है किसके, क्यू ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे आर क्यूब होगा, आर क्यूब थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन। ओके सो अगर क्वाडर पोल मूमेंट की हम बात करते हैं, क्वाडर पोल मूमेंट जो है वो इक्वल होता है किसके, कैपिटल क्यू वो इक्वल होता है क्यू ए स्क्वेयर के। ओके सो वी नेट जो होगा वो हमें मिल जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन। ओके सो स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल के लिए पोटेंशियल पूछा जाता है तो उस कंडीशन में हम केवल यहीं तक प्रूव करेंगे। ओके ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल। ओके इसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था कि हमें जो है प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करती है 1 बाई आर टू पावर 4 के, तो इसके बाद जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखने वाले हैं वो इस टर्म के लिए लिखने वाले हैं। ओके सो चलिए मैं इस यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो है हमारा लेंथी हो रहा है, लेकिन आई होप कि ये जो टॉपिक चल रहा है ये आपको वेल अंडरस्टूड है। अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके सो वी नेट जो है वो इक्वल है क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम ई की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इक्वल होती है किसके, माइनस डेबा वी बाई डेबा आर के। ओके सो इसको हम ई को इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डेबा वी बाई डेबा आर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस डेबा बाई डेबा आर, और ये जो टर्म होगी वो इक्वल होगी Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन। तो यहाँ से ये जो टर्म है दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, तो आप चाहें तो इसको सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा E इक्वल टू थ्री क्यू इंटू थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन और डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से डेबा बाई डेबा आर टू पावर वन बाई थ्री, जो कि इक्वल होगा किसके, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लगा देते हैं, और ये जो है माइनस थ्री ऊपर जाके हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस थ्री क्यू थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
आर टू पावर फोर। ओके, सो अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो इस इक्वेशन से ई जो है, अगर इतनी टर्म को हम मान लेते हैं कि ये किसी टाइम पे कांस्टेंट है, अगर ये जो टर्म है हमारे पास कांस्टेंट हो, तो ई जो है वो वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वन बाई आर टू पावर फोर के। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि ये लेक्चर जो है आपको अंडरस्टूड होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।